प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 4 सब्जेक्ट EVS का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ए बिजी मंथ। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स आई कुड सी ए चिक इन द नेस्ट। जैसे ही मैंने बाइनोक्यूलर से देखा, बाइनोक्यूलर्स कैसे बोलते हैं बच्चों, दूरबीन को, तो मैंने देखा कि एक जो चिक है, बच्चा है, चिड़िया का बच्चा है, वो क्या उस घोंसले में है। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। ये कहाँ पर बैठा था, जहाँ पर नेस्ट की जो स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग यानी कि नेस्ट में जो छोटी सी जगह होती है घुसने के लिए, वो वहाँ पर बैठा था। इट वॉज़ वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। वो बच्चा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था कि उसकी माँ उसके लिए क्या लाएगी, खाना लाएगी। वॉट एवर कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। ये सिर्फ इतना ही कर सकता है कि खाली खा सकता है और ये बच्चा सो सकता है। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड। क्या आप वीवर बर्ड के बारे में जानते हैं। द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुल वोवन नेस्ट। बोलते जो मेल वीवर बर्ड होता है, जो वो क्या करता है कि ब्यूटिफुल घोंसला क्या करता है, वो बुनता है, घोंसला बनाता है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन दैट शी लाइक्स। अब जो फीमेल वीवर बर्ड होती है, वो क्या करती है, इन सारे घोंसलों को देखती है और जो उसे घोंसला पसंद आता है, द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच इट विल ले इट्स इट इन विच इन विच इट ली इट विल ले हर एग्स। बोलते हैं कि जो उस फीमेल वीवर बर्ड को जो भी घोंसला पसंद आता है और जिससे लगता है कि यही सबसे अच्छा है, बेस्ट है, वो उसी में फिर अपने अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डे। सारे परिंदे क्या है, सारे पक्षी क्या है, इन दिनों बहुत ही बिजी है। मेकिंग ए नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। बोलते हैं घोंसला बनाना और उसमें अंडा देना, ये उनका पहला कदम है। इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विद सो मच एफर्ट। बोलते हैं ये बहुत ही मुश्किल काम है कि उन बच्चों को पालना उस नेस्ट में, जो इतनी एफर्ट से, जो इतनी मुश्किल या इस इतने मुश्किल के बावजूद बनाया है। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। जो ये परिंदे होते हैं, इनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जैसे इंसान हो गए या बाकी जानवर हो गए, क्रोज एंड स्केरल्स, कौवे हो गए, स्केरल्स बच्चों, गिलहरी हो गई, कैट्स एंड रैट्स, बिल्ली और चूहे हो गए। ऑल ऑफ देम वेट फॉर ए चांस टू स्टील देयर एग्स। इन ये सब वही मौका ढूंढ रहे होते हैं कि ये कब इन परिंदों के या इन पक्षियों के क्या करें, अंडे चुरा लें। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। कभी कभार वो क्या करते हैं, इन पक्षियों के जो घोंसले उनको तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेम फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक ए नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टास्क फॉर एवरी बर्ड। बोलते कि अपने आप को किसी भी खतरे से महफूज रखना, या अपने बच्चों को महफूज रखना किसी भी खतरे से, खाना ढूंढना या घोंसला बनाना या अंडों को हैच करना, या कश्मीरी बोले अंडों को फाह देना, एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टास्क फॉर एवरी बर्ड। या अपने बच्चों को ठीक तरीके से पालना, ये सब, ये हर एक पक्षी का, हर एक परिंदे का क्या है, काम है। एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और इसके बावजूद भी ये देखो कि ये जो परिंदे हैं, ये किस तरीके से खुशी से गाना गाते हैं, या खुशी से, खुशी की आवाज़ करते हैं, या खुशी से बातें करते हैं। एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और अपने जो पंख होते हैं इनको फैलाते हैं और आसमान में आज़ादी से घूमते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर सलीम अली। तो ये बच्चों, सलीम ने लेटर लिखी थी, तो अब वही बोलता है कि ये अभी तक के लिए बस इतना ही, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर सलीम अली। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, एक्सरसाइज। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड सलीम अली राइट दिस लेटर। आपको बताना है कि सलीम अली ने ये लेटर कितने साल पहले लिखा होगा। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वर एट दैट टाइम। ये भी पता लगाओ कि जो आपके दादा दादी है या नाना नानी है, उस समय कितने, क्या उनकी उम्र क्या होगी। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन। बोलते हैं कि ये जो लेटर है जो सलीम ने लिखी है, इसमें अलग अलग मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में बताया है। आप बताओ आपने उनमें से कितने बर्ड्स देखे हैं। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, नेम द बाकी अलग जानवर, कितने अलग परिंदे आपने कितने देखे हैं, उनके नाम बताओ। हैव यू एवर सीन ए बर्ड्स नेस्ट, वियर डिड यू सी इट। क्या आपने कभी किसी परिंदे का घोंसला देखा है और कहाँ पर आपने देखा है। विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड वट साउंड इट मेक्स। आपका पसंदीदा बर्ड कौन सा है
और आपके जो क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हो कि वो कैसे उड़ता है और वो कौन सी आवाज़ करता है। गेस व्हाट दिस बर्ड इज, अंदाज़ा लगाओ ये कौन सा बर्ड है। ए क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइंस ऑन द टेल, उसके सर पे क्या है, ताज है, और उसके टेल पंख में क्या है, कॉइंस यानी कि सिक्के हैं। सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉल टू टॉप टू टेल, बोलते उसके शरीर पर बहुत सारे ब्लू कलर के क्या हैं, शेड्स है, ब्लू कलर की निशानियां हैं ऊपर से नीचे तक। बच्चों इसका क्लू क्या है, इट इज़ आवर नेशनल बर्ड, वो हमारा राष्ट्रीय कौमी बर्ड है, तो आपको बताना है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।